नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन क्या है कन्या पूजन की सही विधि, कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं, कन्या पूजन के बाद कन्याओं को क्या उपहार देना चाहिए, भोजन में क्या बनाना चाहिए, उसके अलावा भूल कर भी कन्या पूजन के दिन नहीं करें ये 5 गलतियां, नहीं तो माता रानी के आशीर्वाद की जगह आपको मिल सकता है माता रानी का क्रोध। कन्या पूजन का महत्व क्या है, कन्या पूजन से क्या क्या फल प्राप्त होता है, तो आज के इस वीडियो में अपन सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नवरात्रि की महाअष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किस तरह से किया जाएगा, सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, अगर आप भी माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त है, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष रूप से महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो लोग 9 दिन तक अगर आप माता रानी की पूजा पाठ नहीं करते हैं या नवरात्रि के व्रत नहीं रख पाते हैं, वो केवल अष्टमी और नवमी का व्रत रख सकते हैं। उसके अलावा इसी दिन कन्याओं का पूजन होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि दोनों ही सच्चे मन से पूजा पाठ और कन्या पूजन के दौरान माता दुर्गा की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए सबसे पहले तो अपन जान लेते हैं कि साल 2024 में नवरात्रि में महाअष्टमी और महानवमी दोनों ही 11 अक्टूबर के दिन पड़ रही है। कन्या पूजन की अगर बात करें तो सुबह 7:46 से लेकर सुबह के 10:41 तक कर सकते हैं। दोपहर की बात करें तो दोपहर को 12:08 से 1:35 तक कन्या पूजन का अति उत्तम मुहूर्त बना हुआ है। चलिए जान लेते हैं कन्या पूजन की सही विधि के बारे में। दोस्तों क्या होता है ना कि अक्सर कई घरों में मैंने देखा है कि आप लोग कन्या पूजन तो करते हैं लेकिन उसे सही तरीके से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से माता रानी की विशेष कृपा आपको नहीं मिल पाती है। आपको बता दें कि जिस दिन आपको कन्या भोजन करवाना है ना, उसके एक दिन पहले आप लोगों को कन्याओं को घर जाकर निमंत्रण देना चाहिए, न्योता देना चाहिए। ध्यान रखें, कन्या पूजन के दौरान कन्याओं की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। 10 वर्ष तक की कन्याओं को ही कन्या भोजन करवाया जाता है। और साथ ही 9 कन्याओं के अलावा एक बालक को भी आपको न्योता भेजना चाहिए। कन्या पूजन में 9 कन्याएं और एक बालक होना अनिवार्य है। अब जैसे कि आपने इनविटेशन दे दिया, दूसरे दिन आपके तय निश्चित समय पर जो कन्याएं घर पधार जाती है, कन्या पूजन के दिन घर आई कन्याओं का सबसे पहले तो सच्चे मन से स्वागत करें। मान्यता है कि इससे साक्षात देवी माता दुर्गा अति प्रसन्न होती है। इसके बाद स्वच्छ और निर्मल जल से कन्याओं के पैरों को धोना चाहिए, इससे भक्तों के पापों का नाश होता है। पैर धोने के बाद सभी 9 कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें, इससे भक्तों की तरक्की होती है। 9 कन्याओं को आपको देवी माता के 9 स्वरूप मानकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। पैर धोने के बाद कन्याओं को एक साफ आसन पर बिठाने, ध्यान रखें कन्याओं को बिना आसन कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो फर्श है वो एकदम साफ है, आपने झाड़ू पोछे कर रखे हैं तो आपने डायरेक्ट बिठा लिया, ऐसा नहीं है। कन्या भोजन के दौरान जो भी कन्याएं आपके घर पधारती है ना, आसन बिछाकर उनको भोजन करवाएं। भोजन से पहले सभी कन्याओं के माथे पर कुमकुम का टीका लगाएं और इसके बाद उनके हाथ में कलावा बांधें। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले अन्न का जो पहला हिस्सा है वो देवी माता को भेंट करें, फिर सारी कन्याओं को भोजन परोसें। वैसे तो माता दुर्गा को हलवा, चना और पूरी का भोग लगाया जाता है, लेकिन अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप अपने इच्छा अनुसार कन्याओं को भोजन करवा सकती है। भोजन समाप्त होने पर कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य दें, क्योंकि दक्षिणा के बिना दान जो है वो अधूरा रहता है। अगर आप चाहते हैं कि कन्याओं को कोई भी भेंट देना चाहे तो कोई भी उपहार स्वरूप आप कन्याओं के लिए काम की जो वस्तु है ना वो आप ला सकते हैं, उनको भेंट दे सकते हैं। उपहार देने के बाद अंत में एक बार फिर से कन्याओं का जाते समय पैर छूकर आशीर्वाद लें और देवी माता दुर्गा को ध्यान करते हुए कन्या भोज के समय में किसी भी प्रकार की अगर गलती या भूल चूक होती है ना तो उसकी क्षमा प्रार्थना करें। ऐसा करने से देवी माता अत्यंत ही प्रसन्न होती है और अपने भक्तों के सभी कष्ट, सभी दुख, दर्द और तकलीफें दूर करने लगती है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर कन्या पूजन का महत्व क्या है, कन्या पूजन क्यों किया जाता है। दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अभी तक भी आपने जय माता दी नहीं लिखा है, फटाफट से सभी भक्त माता रानी के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं। आज देखते हैं मित्रों कितने भक्त नवरात्रि के इस पावन पवित्र वीडियो में जय माता दी लिखकर माता रानी का स्वागत करते हैं।
चलिए बात कर लेते हैं नवरात्रि कन्या पूजन का महत्व क्या है। दोस्तों नवरात्रि में व्रत रखने के बाद कन्या पूजन करने से माता रानी अति प्रसन्न होती है। उसके अलावा कन्या पूजन से सुख समृद्धि धन संपत्ति का आशीर्वाद भी मिलता है। कन्या पूजन का इतिहास क्या है, कन्या पूजन क्यों किया जाता है? आपको बता दे दोस्तों कि कन्या पूजन का महत्व अपने प्राचीन धर्म शास्त्रों में उल्लेखित है। एक प्राचीन कथा से बताया जाता है कि शास्त्र के अनुसार इंद्रदेव ने माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उपाय पूछा था कि आखिर माता दुर्गा को किस तरह से प्रसन्न किया जाए। जब इंद्रदेव को कोई भी सुझाव या जवाब नहीं मिला तो इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुँच गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर सबसे पहले तो उनको दंडवत प्रणाम किया और फिर प्रश्न किया कि हे ब्रह्मदेव, आखिर किस तरह से हम माता दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं? तो ब्रह्मदेव ने सुझाव दिया कि कुवारी कन्याओं की पूजा करें, उनको भोजन कराएं। और इसके बाद यह प्रथा प्रचलित हो गई। इस प्रथा के बाद से ही नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन कराया जाता है और उनको भोजन भी कराया जाता है। नवरात्रि के आखिरी दिन को कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। इसके पीछे भी कई कारण है। शास्त्रों में उल्लेखित है कि माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए यह एक उपाय भी है। कन्याओं की पूजा करने से माता रानी की कृपा उनके भक्तों के ऊपर विशेष रूप से बनी रहती है। कन्या पूजन के पीछे एक संदेश भी है कि हर स्त्री में, हर कन्या में, हर एक महिला में, हर एक लड़की में देवी की भावना होती है और हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। यह एक सामाजिक संदेश भी देता है कि हम स्त्रियों का सम्मान करें और उनके साथ सामंजस्य बनाए रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कन्या पूजन के दिन भूल कर भी यह 5 कार्य आपको नहीं करने चाहिए, नहीं तो माता रानी के क्रोध का पात्र भी आप बन सकते हैं। पूरी जानकारी अपन जानते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। दोस्तों आपने गले मोहल्लों में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो कि आज के 4-5 साल पहले टिफिन लेकर दूसरों के यहाँ नौकरी करने जाते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन 5 सालों में आज इतनी ज्यादा तरक्की ग्रोथ कर ली है कि आज स्वयं का मकान बना लिया है, अपनी गाड़ी है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, घर में सभी सुख सुविधाएं मौजूद है। लोग सोचते हैं कि आखिर इन्होंने इतने कम समय में यह सब हासिल किया तो किया कैसे, क्या इनको जमीन में गड़ा कोई गुप्त खजाना तो नहीं मिल गया? और यही सब कुछ होता है आपके जीवन की व्यक्तिगत कुंडली के बारे में कि आखिर कुंडली के अनुसार आपको क्या कार्य करना चाहिए, आपके सभी 9 ग्रहों में से कौन से ग्रह कमजोर है, कौन से मजबूत है, व्यापार या नौकरी किस में आपको अधिक तरक्की मिलेगी, आपको कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा, आपका विवाह कब होगा, पति पत्नी के बीच अनबन क्यों रहती है, संतान का सुख क्यों नहीं मिल रहा है। इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानने वाले हैं आप सभी की कुंडली रिपोर्ट के अंदर। तो अगर आप भी अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में अपनी महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों जान लेते हैं कि नवरात्रि अष्टमी कन्या पूजन के दौरान क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों नवरात्रि में कन्याओं का पूजन माता के 9 स्वरूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। 9 कन्याएं 9 देवियों का प्रतीक होती है, इसलिए कन्या पूजन के दिन उनके आने से पहले ही आप उस स्थान की साफ सफाई जरूर करें जहां पर आप कन्याओं को भोजन के लिए बिठाएंगे। अगर आप कन्याओं के बैठने के स्थान को साफ नहीं करते हैं तो यह आपकी भूल माता को अप्रसन्न भी कर सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कन्या पूजन वाले दिन भूल कर भी कन्याओं को डांटे नहीं, आदर पूर्वक उनका स्वागत करें। दोस्तों कन्याएं बच्चियां होती है, माता का स्वरूप मानी गई है और छोटी बच्चियां नादान होती है, आपके घर आकर लड़ाई झगड़ा भी कर सकती है, किसी वस्तु का नुकसान भी पहुंचा सकती है, आपका कहना भी नहीं मानती है, तो भी आपको कन्याओं को कभी भी डांटना नहीं चाहिए। दोस्तों कन्या भोजन के दौरान कन्याएं आपके व्यवहार से जितनी ज्यादा प्रसन्न होगी माता दुर्गा भी आपसे उतनी ही अति प्रसन्न रहेगी। उसके अलावा कन्याओं के आने से पहले यह पता कर लें कि आपके घर के उत्तर पूर्व की दिशा कौन सी है, क्योंकि कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को जो भोजन करवाया जाता है वो ईशान कोण में करवाना अति उत्तम माना गया है, क्योंकि ईशान कोण में देवी देवताओं का वास माना गया है। दोस्तों अगर आप कन्याओं के साथ किसी भी बालक को पूजा में नहीं बुलाते हैं ना, तो भी आपकी पूजा अधूरी रह सकती है, इसलिए पूजा में 9 कन्याओं के साथ ही 1 बालक को आपको अवश्य बुलाना चाहिए।
बालक को भैरव का स्वरूप माना जाता है। कन्या भोजन समाप्त होने के बाद कभी भी कन्याओं को खाली हाथ अपने घर से विदा नहीं देनी चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कोई भी फल या कोई भी वस्तु उपहार स्वरूप अवश्य दें, कन्याओं के हाथ में रखें। और हर एक कन्या को अलग अलग आपके स्वयं के हाथों से ही देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चार कन्याओं को आपने दे दिया है कि चारों आपस में पांती कर लीजिए, बंटवारा कर लीजिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कन्या पूजन की रात में भूल कर भी पति पत्नी शारीरिक संबंध नहीं बनाए। दूसरा है, कन्या पूजन के दिन महिलाएं माताएं बहने काले वस्त्र धारण नहीं करें, काले कपड़े को नहीं पहने। उसके अलावा कन्या पूजन के दौरान अपने घर की कन्याओं को छोड़ते हुए 9 कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चार बच्चियां आपके घर में ही है, आपके बड़े पापा की है, आपकी देवरानी की है, जेठानी की है, उनके अलावा आपको अतिरिक्त 9 कन्याओं को बुलाना चाहिए। हो सके तो आपके आसपास जो भी गरीब परिवार के जो लोग रहते हैं ना, उनके घर जाकर आप कन्याओं को भोजन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ नवरात्रि अष्टमी कन्या पूजन से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।